नमस्कार, मैं विनीता राय। आपको बता दूं कि चांदनी सिंह की पहली पसंद बने पवन सिंह। भोजपुरी सिनेमा की बात करें तो हर साल नए नए कलाकार आते रहते हैं, पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते और अपना बोरिया बिस्तर लपेट लेते हैं। पर कुछ ऐसा भी है जो एक अलग छाप छोड़ते हैं और भोजपुरी सिनेमा जगत में अपना परचम लहराते हैं। उन्हीं में से एक है चांदनी सिंह। चांदनी सिंह ने अपने करियर की शुरुआत एल्बम से की थी। उसके बाद फिल्मों में आई उनका पहला एल्बम भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ था, जिस एल्बम का नाम था डोली में गोली मार देव, जो बहुत प्रसिद्ध भी हुआ। उसके बाद चांदनी सिंह ने खेसारी लाल के साथ और भी एल्बम किए, जैसे पलंग करे चोए चोए, हमके भूला गैलू और ललकी ओढ़निया। ये सभी गाने सुपरहिट रहे। चांदनी सिंह पवन सिंह के साथ क्रैक फाइटर फिल्म में दिखी, जिसमें उनका एक गाना इन दिनों चर्चा में है। गाने के बोल हैं, जब जब पेनही सड़िया। चांदनी सिंह ने कहा कि उनको भोजपुरी के सारे अभिनेताओं के साथ काम करके अच्छा लगता है, पर सबसे ज्यादा उन्हें पवन सिंह के साथ काम करके मजा आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको बता दें कि चांदनी सिंह को फिल्मों में काम पवन सिंह के वजह से ही मिला है, क्योंकि पवन सिंह के कांवर भजन में चांदनी सिंह को मौका मिला था और उसके बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। चांदनी के अभी बहुत सारी एल्बम आने वाली है, जिनमें से एक रिलीज भी हो चुकी है, जिस फिल्म का नाम है क्रैक फाइटर। इन दिनों चांदनी सिंह खेसारी लाल के साथ एल्बम ठीक है के वीडियो एल्बम में व्यस्त है। अगर आपको हमारा न्यूज पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।